बिहार के समस्तीपुर में बीजेपी के जिला मंत्री सुदेश्वर राम ने ईद के पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर विधानसभा के समाज सेवी सह बीजेपी के जिला मंत्री सुदेश्वर राम उर्फ मोना प्रसाद ने ईद पर्व पर सभी देशवासियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आपस में मेल विचार रखते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपने अपने घरों पर ईद मनाएं। साथ ही उन्होंने ये बताया कि अगर तत्काल लॉकडाउन नहीं लगाया होता सरकार ने, तो आज भारत में महामारी का हिसाब नहीं लगाया जा सकता था। कोरोना महामारी है और बाकी देशों से हमारा देश बहुत सुरक्षित है। रामेश्वर जूट मिल पर उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार अगर चाहे तो उसे फिर से चालू कर सकती है और जिससे वहां के 5,000 मजदूरों के परिवारों का जीवन यापन होगा। मैं मनोज कुमार, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। मैं इस वक्त समस्तीपुर जिले के भाजपा नेता जिला मंत्री सुदेश्वर राम और मोना प्रसाद जी के यहाँ हूँ और ये वही समाज सेवी हैं जो समाज में और जनता के बीच जाके गरीबों की सहायता करते हैं और संपूर्ण कार्य करते हैं। इस वक्त लॉकडाउन है, लॉकडाउन 4.0 है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्या लॉकडाउन जो लगा है 4 दिनों का, जो कल तक 60 दिन था पूरा है, उसमें जो है सो देश को फायदा हुआ है या नहीं, बताइए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले ईद मुबारक देना चाहता हूँ सभी नमाजी भाइयों से। आपस में मेल विचार रखते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए अपने अपने घरों में ईद मनाएंगे, मैं यही आशा करता हूँ। आगे बात रही लॉकडाउन पालन करने की, तो लॉकडाउन पालन करने से अगर तत्काल लॉकडाउन पालन नहीं किया जाता तो आज भारत में महामारी का हिसाब देने वाला, लिखने वाला कोई नहीं मिलता। लॉकडाउन पालन करने से बहुत बड़ी बचाव हुआ है। और रही बात कि जहाँ ये कोरोना जैसा महामारी है तो और देशों से हमारा भारत सुरक्षित है, बहुत कम हिसाब में कोरोना का प्रकोप पड़ा है, उसमें भी हमारा बिहार बहुत ज़्यादा सुरक्षित था। लेकिन अब प्रवासी जब वापस आ रहे हैं, इसके कारण कहीं पर थोड़ा परसेंटेज बढ़ना शुरू हो गया है। इसके लिए सरकार तत्पर है, उस पर निगरानी रख रहे हैं सरकार, और हम लोग आशा करते हैं कि इसी तरह सरकार पहल करे और ज़्यादा पहल करे। सर, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ। प्रवासी मजदूर जो वापस आ रहे हैं, हमारे समस्तीपुर ज़िले के मुक्तापुर रामेश्वर जूट मिल है जो बंद पड़ा हुआ है, सर वहाँ 5,000 से ज़्यादा मजदूर वहाँ काम करते थे, लेकिन अभी वो बंद पड़ा हुआ है, इसमें कौन जिम्मेदार है, राज्य सरकार, बताएं आप। देखिए, जहाँ तक मिल चालू करने वाली बात है, जो रामेश्वर जूट मिल, वहाँ 5,000 मजदूर थे और है, आज वो बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण, और लॉकडाउन में तो सबसे ज़्यादा महामारी वहाँ के वर्कर को हुआ। और रही बात चालू और बंद का, तो चालू और बंद का कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। हमारा कुछ दोष यूनियन का भी होता है, कुछ दोष हमारे मालिक का भी होता है, रही राज्य सरकार, तो राज्य सरकार अगर चाहे इसको दोबारा चालू कर सकते हैं, जो 5,000 वर्कर का परिवार जीवन यापन कर सकता है। हम लोग बहुत कोशिश किया था, इससे पिछले बार भी कोशिश किया था कि रामेश्वर जूट मिल चालू हो। आपने सुना, सर ने बताया जो सरकार को पहल करना चाहिए और रामेश्वर जूट मिल फिर से चालू हो और मजदूरों का जो पलायन हो रहा है वो भी कुछ हद तक कंट्रोल हो सके जिला के अंदर। कल्याणपुर से मनोज चौधरी।